बाहुबली की दमदार एक्टिंग देखे इन 10 फिल्मों में आपने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। बाहुबली में दमदार अभिनय करने वाले प्रभास का 23 अक्टूबर को जन्मदिन है। प्रभास इस साल अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था। आइए आज हम आपको बताते हैं इनकी दमदार एक्टिंग और इनकी उन 10 फिल्मों के बारे में जिनके शायद नाम तक नहीं जानते होंगे। यूं तो दक्षिण भारतीय हीरो एक्शन में माहिर होते हैं, पर प्रभास का एक्शन सिहरन पैदा करता है। साल 2012 में आई फिल्म रेबेल में प्रभास का एक्शन देखने लायक है। इसमें तमन्ना के साथ उनका रोमांस भी जबरदस्त है, जो बाहुबली में हम नहीं देख पाते। सच कहें तो प्रभास जितने मन से एक्शन करते हैं, रोमांटिक रोल में उतने ही खो जाते हैं। मलयालम फिल्म वर्षम प्रभास की बेहद कामयाब फिल्म है। इसे हिंदी में बारिश या सीजन ऑफ लव नाम से रिलीज किया गया। तेलुगु की एक्शन ड्रामा छत्रपति में प्रभास के अभिनय का वो रूप दिखता है जिसे देखकर एसएस राजमौली ने उन्हें बाहुबली के लिए चुना होगा। हिंदी में इसे हुकूमत की जंग नाम से रिलीज किया गया था। नाम के मुताबिक यह सत्ता की लड़ाई की फिल्म थी। बदले पर आधारित तेलुगु फिल्म योगी में प्रभास का विकराल रूप देखने को मिला। हिंदी में ये फिल्म मां कसम बदला लूंगा नाम से रिलीज हुई थी। हमारे यहाँ चलन फिलहाल दक्षिण भारतीय फिल्मों का रीमेक बनाने का है, लेकिन कभी कभी दक्षिण भारत में भी बॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बनते हैं, जैसे फिल्म बिला। ये हिंदी फिल्म डॉन की रीमेक है। और जब बात दक्षिण में ऐसा हीरो चुनने की आई कि अमिताभ बच्चन का रोल कौन निभा सकता है, तो लोगों को एक ही नाम सूझा, प्रभास। हिंदी में सबसे बढ़कर हम और तेलुगु में डार्लिंग ही वो फिल्म है जिसने प्रभास को अभिनेता के तौर पर स्थापित किया था। हिंदी और तेलुगु दोनों में ही मिस्टर परफेक्ट नाम की फिल्म प्रभास को एक दमदार अभिनेता के तौर पर स्थापित कर देती है। तेलुगु में भुजी गाड़ू और हिंदी में दीवार भी प्रभास की एक अहम फिल्म है। एक ही रिश्ता यानी एक निरंजन में आपको प्रभास का रोमांचित करने वाला रोमांस देखने को मिलेगा। मिर्ची में भी प्रभास ने अपने रोमांस करने की ताकत को जाहिर किया।